बात ऐसी है कि अब शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं, ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है, बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कल से यह गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे, ये अपना अपना जो एक स्वार्थ है उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते, उसमें महाराष्ट्र का हित कुछ नहीं है। लेकिन जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं उसके खिलाफ राज्य की जनता गांव-गांव में सड़क पर आई है कि हमें ये नतीजे ये निर्णय मंजूर नहीं है। फिर भी राज्यों को मुख्यमंत्री मिल रहा है, आज शपथ लेंगे, हम उनका अभिनंदन करते हैं, और आने वाला जो समय आपको मिलेगा उस पद पर बैठने का, आप महाराष्ट्र के हित के लिए काम करिए, इतना मैं कहूंगा।